एक मिनट सर, प्लीज एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये सीन ले लूँ, एक मिनट सिर्फ। ओके एक एक मिनट सर, एक सेकंड, एक सेकंड सर, आ गया किताब ते जड़ा सब तो हर स्कूल च स्लोगन लिखा होंदा किताब उपर मैं इत्थे लिखा होया जे कोई जवाब दे दूगा तां मेरे वल्लों थोड़े सारे वास्ते तोशे दा आऊगा गिफ्ट मतलब
ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਓਕੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਔਨ ਕਿਤਾਬ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਪਾਪਾ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਪੀਓ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਟੱਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਦੋਸ਼ੇ ਦੇ ਨੂੰ मैं भी तोशा मिल जाने जे पूरा करना खाबा नू नाल रखो अच्छा एक हमने मेरे दिल च आया कि अज तक असं आ गए इनॉग्रेशन चलो सारा साडा हमला इकट्ठा हो गए तुहाडे कोल आ गया हैगा असी कोशिश करांगे कि हर वीक या हर दूजे वीक कोई सीनियर ऑफिसर कोई सीनियर अधिकारी जिन्हें कोई ना कोई डिपार्टमेंट भावें सिविल सर्जन साहब हो या उन्होंने कोई सीनियर डॉक्टर हो एसएसपी साहब या पुलिस का कोई अधिकारी मैं या मेरा कोई अधिकारी एमएलए साहब आ गए असी कोशिश करांगे एक गेस्ट लैक्चर तुहाडे नाल इंटरैक्शन लई आधे घंटे का असी तुहाडे नाल रख्या करांगे तुहाडी कोई किसी ने कोई अपने करियर बारे कोई पूछना होवे किसी ने अगे वधना होवे आपां नूं कई बारी रस्ता नहीं पता हुंदा कि वे किस तरह असी अगे कर सकते ने कोई टीचर है कोई सीनियर टीचर ने प्रोफेसर ने मीडिया के कोई सीनियर जर्नलिस्ट ने तो तुहानूं कई बार आपां नूं आइडिया नहीं हुंदा कि असी उस राह किवें पैना असी कोशिश करांगे एक गेस्ट लैक्चर हर 10 दिन 7 दिन 15 दिन च तुहाडे नाल रख्या करांगे तुहाडे मन च कोई भी तुहानूं एडवांस इनफॉर्मेशन मिलेगी तुहाडे मन च कोई सवाल हो कोई तुसीं अपना पूछना चाहुंदे हो तुहाडी कोई डिमांड है असी आके वह सुनिया करांगे ताकि जिवें अज असी आए अज थोड़ा रौनक मेला लग्या मैनूं पूछ रहे सी साडे मीडिया दे भरा कि अज रौनक मेला ज्यादा लग्या असी कोशिश करांगे 10-15 दिन बाद भी यह रौनक मेला जिहड़ा लाई रखिए ताकि तुहानूं भी इहदी जिहड़ी है ज्यादा जानकारी मिलती रहे एंड किताबां राही तुसीं उस रस्ते ते जिहड़ा पै सको तो यह अज मैं तुहानूं यह दस दिंदा होर दसो किसी दे कोई कोई बुक्स की डिमांड हुई साडे लाइब्रेरियन मैडम बैठे ने असी हौली हौली एक शुरुआत की हैगी ठीक है ये नहीं कि अज ही आप सारा कुछ जिहड़ा इत्थे ला के रखता मैं नहीं कह रहा 100% असी परफेक्ट एक चीज बनाती एक शुरुआत की हैगी इन धीरे धीरे आप होर परफेक्ट करन की कोशिश करांगे तुहाडी जरूरत अनुसार तुहाडी मंग अनुसार असी लैके जावांगे जिथे तक तुहाडे तुहाडी तुहाडी जिहड़ी एक्सपेक्टेशन उत्थे तक लैके जाने की कोशिश ठीक है का जिसमें आपको जो भी किताबें चाहिए 1st to 12th और भी ऑटोबायोग्राफीज बायोग्राफीज जो हमारे दिग्गज नेता हो गए या दिग्गज अचीवर्स हो गए उन सबकी आपको एक जगह पे मिल जाएगी वो सर हमने यहाँ पर भी एक्सेस पूरा खोल रखा है उसका उसमें जो स्पेशल पब्लिकेशन और स्पेशल मेंबरशिप भी उसमें आती रहती है तो हम वो भी जितनी भी ऑनलाइन मेंबरशिप्स हैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की वो भी लेंगे साथ साथ सर CSR प्रतियोगिता दर्पण और ये सब जो मैगजीन्स हैं वो भी अभी ऑर्डर कर दिया है तो वो एज सून एज देयर न्यू इशू कम्स वो यहाँ पर वो भी अवेलेबल ठीक से होने लगेंगे साथ साथ सर कंप्यूटर का एक ये भी फायदा है क्योंकि बहुत सारे आजकल यूट्यूब पून अकेडमी और इस सब पे लेक्चर्स लेते हैं तो विद दैट मेंबरशिप यू कैन एक्सेस नेट हेयर ओनली सिट एंड टेक योर लेक्चर देन जो भी आपको होगा सर एक और सर दीक्षा पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो भी यहाँ पे अवेलेबल है उस पे NCERT के आप अगर कम्पिटेटिव एग्जाम में खासतौर पर देखते हैं 9th से 12th तक की वो सभी विद वीडियो लेक्चर हैं बहुत एक्सपर्ट के बनाए हुए हैं वो भी इस पे अवेलेबल है अजे तक मैं नहीं आई है नुकसान है बट वो तकलीफ कर रहे हैं कितने भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं सरकार को सर किस तरह का उपराला है तीन महीने पहला पंजाब के लोगों ने पंजाब दे विच
शिक्षा स्तर उच्चा चुकन आम आदमी पार्टी को मौका दिता है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, जदों तो आम लोगों की सरकार पंजाब आई है, ये आम आदमी पार्टी की आम लोगों की सरकार जो लोगों को जरूरत ने उन्हें जरूरतों को पूरा और जो समस्यावान ने लोगों दिया उन्हें समस्यावान का हल करने दिन रात काम कर रही है। और साढ़े फाजिलका जिला रेड क्रॉस दफ्तर के जो लाइब्रेरी जो बहुत बुरा यदा पहला हाल से साडा जिला प्रशासन पी जी साहब ए डी जी साहब और साढ़े एस एस पी साहब ए डी सी जनरल साहब सारे ही जिन्हें जिला प्रशासन के अफसर ने असी सारे लोगों के जिन्या भी समस्यावान होंगे ने उन्होंने पहल के आधार से हल करने काम कर रहे हैं। ये जो सूँ पता लगे लाइब्रेरी का एम आर कॉलेज बिल्कुल नज़दीक है इतों और लाइब्रेरी के बहुत कमिया सी और बिल्कुल मॉडर्न तरीके इसनों असी तैयार करवाया है और 180 के मैंबर करीब मैंबर ने इस लाइब्रेरी मैंबरशिप है और 200 रुपए पर मंथ इसकी फीस रखी है। जे कोई स्टूडेंट फीस नहीं भी भर सकता उहदे लई भी जिहड़ी लाइब्रेरी दे विच रेड क्रॉस सोसाइटी हेल्प करती है, बिल्कुल मुफ्त इतने मैंबरशिप दी जाती है और बहुत ही मॉडर्न तरीके दे नाल इहनू तैयार किया गया और नवीं लेटेस्ट बुक्स पंजाबी हिंदी और इंग्लिश दे विच जो भी किसी नूं इत्थे जरूरत है स्टूडेंट नूं या कोई होर किसी ने आके इत्थे पढ़ना चाहुंदा कोई उहदे लई इत्थे उपलब्ध ने और कंप्यूटर राही बिल्कुल मॉडर्न तरीके नाल इंटरनेट उपलब्ध है। मॉडर्न तरीके की लाइब्रेरी जो इंटरनेट पर है वह भी इतने उपलब्ध है, कोई भी कमी इतने किसी भी स्टूडेंट या कोई लाइब्रेरी का मैंबर है उन्होंने नहीं आना चाहिए। एक सर कि बुक्स इतने उपलब्ध करवाई गई इतना कंपीटेटिव एग्जाम्स ने और जिन्हें भी अपने टेस्ट होंगे है कोई जॉब से रिलेटिड ने कोई अपनी एडमिशन रिलेटिड ने कोई भी टेस्ट उसके लिए जिन्हें भी बुक्स की लोड़ है वो सारी इतने उपलब्ध है। एक सर पंजाब का खजाने के उपर पहले ही बहुत ज़्यादा असर पै रहा है कि अज का प्रोग्राम सादे ढंग नहीं मनाया जा सकता सी जिवें गड्डियां इन्ना ताम जाम पानी का खर्चा बुके का यह सारा सरकारी खजाने पर असर पेगा सादे ढंग मनाया जा सकता। मेरी गल सुनो खजाने का तो बिल्कुल नहीं है, गड्डिया ये सानू सरकार वालों सारे ऑफिसर सानू प्रोवाइड करवाई जाए ने हम तुर के तो अभी कितने जा नहीं सकते, जे तुर के जावे तो अभी होर भी कम है। इस बाद मैं पिंडा के जाना है गड़ी मारे कारण नुकसान होया उधर भी जाना है, जो असी रूटीन के उत्थे आए हैं ये गड्डिया कोई असं स्पैशली कोई फालतू तो लैके नहीं आए। थोड़े MLA साइकिल भी जाता जी जाना चाहिए, मैं तो कहना फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है उसकी फीस 1000 रुपए है, जबकि पहले 500 सी। स्टूडेंट कह रहे भी फीस बहुत ज्यादा है घटानी चाहिए, असीं दे नहीं सकते इन्नी कई स्टूडेंट एक सर अज तुसी आयो उत्थों लैके इत्थे रेड क्रॉस तक पानी का छिड़काव किया गया जबकि पहला कदे नहीं विखिया, ये कि VIP कल्चर नूं बढ़ावा नहीं दिता जा रहा। रूटीन दे काम ने जो साडी म्युनिसिपल कमेटी करती रहिंदी है, पहला नहीं पानी का छिड़काव कदे विखिया जी, असीं वी जाणदे आ मिट्टी दा टक्कटा बहुत पैंदा अखां जी मिट्टी इह तां रूटीन है जी। अज इक नवीं ट्रेनिंग दी शुरुआत हुई है, नवा बच्चों नूं असीं जो 60 बच्चे साढ़े मैंबर मिले है उन्होंने स्वागत करने लिए MLA साहब आए हैं, उन्होंने स्वागत लिए छिड़काव होया है। एक रेड क्रॉस दे विच सफाई नहीं विकदी, अज तुसीं आए तो सफाई बहुत ज्यादा। देखो जी एक जिवें MLA साहब ने दस्सिया पंजाब सरकार वालों जिहड़ा शिक्षा दे स्तर नूं सिक्ख्या दे स्तर नूं उत्ता चुके चुकन लई जेडे उपराले किए गए थे निशा सू मिले थे। जिला रेड क्रॉस सोसायटी विचों असी एक लाइब्रेरी को रेनोवेट कर रहा है, जेड़ा जिले का प्रोजेक्ट है वो ना है किताब उसकी मतलब एक्रोनिम है इम्पार्टिंग नॉलेज थ्रू IT & बुक्स। सो फाजिलका असी ए लाइब्रेरी बनाई है, इस तू अलावा दो लाइब्रेरी जिले के अज ही इनोग्रेट कर रहे हैं।
एक साढ़े अबोहर शहर भी है, एक साढ़ा सुलर जरा पिंड हैगा उत्थे करवा रहे। इस तो इलावा जदों ये लाइब्रेरी बनी असं सर्कुलेट किया बच्चों की मैंबरशिप ली, सानू पिंडां दे विच भी बहुत रिक्वेस्ट आ रही ने कि सानू भी उत्थे छोटी छोटी मैंबरशिप 25-50 की सानू बना के दिती जाए। तो साडा सारे ADC साहब, SSP साहब, MLA साहब, साडे ADC जनरल साहब, साडे सारे यंग फैलोज जिहड़े इत्थे साडे नाल मौजूद ने, असीं कोशिश कर रहे हैं आने वाले दिनों जो दिन का अज असीं समर्पित कर रहे हैं जिला वासियां। इस तो इलावा भी किसी इतने डिमांड आऊगी असी इस किताब प्रोजेक्ट के तहत जरा लाइब्रेरी बना के देवे, जिसे तुम देख पा रहे हो कॉम्पीटेटिव एग्जाम्स की बुक जी इतने रखी हैं। फाजिलका के बच्चे जे इन्हों लाइब्रेरियों को पढ़ के उन्होंने बुक्स नहीं मिलती, मैंने पता लगे अस एक एक दिन अखबार लेट आते हैं, कई जी इंग्लिश के अखबार हैं जो कॉम्पीटेटिव एग्जाम से पढ़ने लिए जरूरी होंगे। असी कोशिश करा उन्होंने असी इन्हों बिल्डिंग्स इन्होंने लाइब्रेरीज टाइमली प्रोवाइड करवाइए, जी किताबा दिल्ली मिलती है वो असी फाजिलका तक लेके आइए ताकि जो बच्चे ने इतने पढ़ के अपने बहुत जे अदारे है वो भर्ती हो सकता वो असी एक पहल की है। एंड मैं पूरी उम्मीद है कि जे बच्चे ने इन्हों की अगे भी जो डिमांड आएंगे जी किताबा मंगनगे जे रसाले मंगनगे वो असी इन्होंने जरूर प्रोवाइड करावे एंड इन्होंने पूरा असी प्रशासन वालों से। सर एक सवाल असी मैंबरशिप खोली है बच्चों की 200 रुपीज़ उन्होंने मिनीमम खर्चा जो रखा है, जे कोई बच्चा कहता कि मैं